550 करोड़ की लागत से बनने वाले सोलन के चंबा घाट से बाकना घाट फोरलैन निर्माण कार्य में कंपनियां अपनी रुचि कम ही दिखा रही हैं। फोरलैन निर्माण का टेंडर हालांकि करोड़ों का है, लेकिन उसके बाद भी महज 3 कंपनियों ने ही इसके निर्माण कार्य में रुचि दिखाई है, जिसमें से किसी एक को बहुत जल्द ही फोरलैन निर्माण कार्य की जिम्मेवारी सौंपी जाने वाली है। आपको बता दें कि NHAI पिछले काफी समय से ई टेंडरिंग कर रहा है, लेकिन इस रोड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के देखते हुए कंपनियां खास रुचि नहीं ले रही हैं। लेकिन काफी समय की माथापच्ची के बाद अब NHAI के इस कार्य के लिए 3 कंपनियों ने टेंडर भरा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी कंपनी NHAI की शर्तों पर ये काम हासिल करती है। अगर ये टेंडर कंपनी को इस सप्ताह मिल जाता है तो उम्मीद है कि परमाणु शिमला फोरलैन के दूसरे चरण का कार्य भी जल्द आरंभ हो जाएगा। दूसरे चरण में ये फोरलैन चंबा घाट से लेकर वाकना घाट तक बनाई जाएगी, जिसके लिए भूमि के अधिग्रहण की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अधिकतर प्रभावितों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। NHAI ने निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिनमें से वन विभाग और राजस्व विभाग से आनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिए जा चुके हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि NHAI किसी भी तरह की चूक का सामना नहीं करना चाहती है। SDM सोलन आशुतोष गर्ग ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि चंबा घाट से बाकना घाट तक फोरलैन के दूसरे चरण का कार्य जल्द आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें फोरलैन प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें करीबन 452 करोड़ रुपए में से लगभग 250 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। कई प्रभावितों की संपत्ति का आंकलन कर लिया गया है और कुछ का किया जा रहा है। परवानु शिमला नेशनल हाईवे 22 जो कि अब नया नेशनल हाईवे 5 है, उसके ऑनगोइंग फोर लेनिंग में चंबा घाट से जो आगे का स्ट्रेच है उसका एक्विजिशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी उसमें प्राइवेट लैंड एक्वायर होनी थी उसके अवार्ड्स हो चुके हैं और जो 452 करोड़ के आसपास टोटल अवार्ड की राशि है उसमें से भी लगभग 250 करोड़ के आसपास अवार्ड जो है वो डिसबर्स करा जा चुका है। बाकी जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस है वो चल रहा है। जितनी भी इसमें बिल्डिंग्स आ रही हैं उनका वैल्यूएशन भी हो गया है और बिल्डिंग ओनर्स को बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए नोटिस भी यहाँ से जारी किए जा चुके हैं। तो एज सून एज अब शॉर्टली उसका जो टेंडर प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही किसी कंपनी को ये वर्क अवार्ड किया जाता है तो फिर मौके पे जो है वो NHAI पोजीशन उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा और वो काम आगे का शुरू कर देंगे। क्योंकि टेंडर प्रोसेस ऑलरेडी बिड्स इन्वाइट की जा चुकी हैं, जो नॉर्मली अवार्ड के बाद 3 महीने का समय रहता है कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने के लिए, तो वो जो भी अवधि रहेगी उसमें एज पर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट उस टाइम के अंदर वो शुरू किया जाएगा।